प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले देश के सबसे बड़े सालाना धार्मिक मेले की शुरुआत 10 जनवरी से पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ हो रही है। मेले के लिए संगम की रेती पर अलग से तंबुओं का शहर को बसाने का सिलसिला शुरू हो गया है। माघ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार आई बाढ़ के चलते तैयारी भी देर से शुरू हुई है। हालांकि अधिकारियों की बात माने तो समय से पहले सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि चेकर प्लेट यहाँ पड़ चुकी है और कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। समय से कार्य पूरा करा लिया जाएगा। बढ़िया माघ मेला आप सभी के सहयोग से कराया जाएगा। सब आप देख रहे होंगे कि लेवलिंग का कार्य पूरा चल रहा है। इस समय यही कार्य देखने आया हूँ कि कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा है। मौके पर काम चल रहा है सारा और देख रहे होंगे खंभे भी लग चुके हैं, काफ़ी बिजली के सेकंड प्लेट भी पड़ चुके हैं, तो काम शीघ्र करा लिया जाएगा। समय से तंबुओं की नगरी को इस बार 5 सेक्टरों में आबाद किया जाएगा। वहीं स्नानार्थियों की सुविधा के लिए 5 पॉन्टून पुल होंगे। इसी प्रकार 18,000 LED से मेला क्षेत्र रोशन होगा। इसके अलावा संगम व आसपास 14 स्नान घाट बनाए जा रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के बाद भी प्रयागराज के संगम तट पर इस बार फिर उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब। हर कोई माघ मेले के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के मौके पर आस्था की एक डुबकी लगाने के लिए उतावला नजर आ रहा है। मेले में भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए 5 पार्टून के पुल भी बनाए जा रहे हैं। 1,500 बीघे में फैले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। बाढ़ की वजह से संगम किनारे जमीन को बराबर किया जा रहा है, जबकि रेत में बिछने वाली चकर प्लेट को लगाने का काम शुरू हो गया है। बिजली व्यवस्था के लिए बिजली के खंभे भी लगाए जा रहे हैं। मेले के सभी कार्य 31 दिसंबर तक पूरे करने के निर्देश भी दिए गए। मेले में इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। ज्यादातर व्यवस्थाएं अर्धसैनिक बलों के जिम्मे रहेंगी। अधिकारियों के मुताबिक समय से सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। उधर स्थानीय लोग भी मानते हैं कि इस बार दोनों नदियों में आई बाढ़ की वजह से मेले की तैयारियां देर से शुरू हुई, लेकिन उनको उम्मीद है कि तय समय से सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। बाढ़ इस बार थोड़ा बहुत देरी तक रुकी हुई थी, तो देरी की वजह से जो है जो मेले का जो कार्य है ना वो भी देरी से स्टार्ट हुआ है, लेकिन कार्य में प्रगति है और वो तेजी से कराया जा रहा है। हमारे ख्याल से 10 जनवरी तक जो पहला स्नान है उस तक तब तक ये तैयार भी हो जाएगा। चकर प्लेट और जो पाटून पुल है वो बहुत तेजी से तैयार हो रहे हैं। माघ मेले की पौष पूर्णिमा 10 जनवरी, मकर संक्रांति 15 जनवरी, मौनी अमावस्या 24 जनवरी, बसंत पंचमी 30 जनवरी, माघी पूर्णिमा 9 फरवरी, महाशिवरात्रि 21 फरवरी, इन कुछ तिथियों पर लाखों श्रद्धालु स्नान करने आएंगे।